हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंडिया चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि 500 रुपया में आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जिसकी मदद से आप दुनिया में कहीं भी अपना कार ड्राइव कर सकते हैं, अपना फोर व्हीलर टू व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं। आप हमेशा देश से बाहर जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आपको वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, जो अपने देश में अपने ही आरटीओ से आप भरवा सकते हैं, वो भी 500 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 500 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो तरीके हैं वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि ये जरूरी क्यों है। डीएल, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ना केवल रेगुलर विदेश यात्रा करने वालों के काम आता है, बल्कि जो कभी कभार विदेश जाते हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। इसके साथ ही जो लोग विदेशी कंपनियों की तरफ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं उनके लिए भी यह काफी लाभकारी होता है। तो कैसे करें अप्लाई, आपको बता देता हूं मैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को आप जैसे सामान्य लाइसेंस बनवाते हैं उसी तरह बनवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने लोकल आरटीओ ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय आपको इन डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल भी अपने साथ रखने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फॉर्म 4A इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपके आरटीओ ऑफिस में मिल जाएगा। आरटीओ ऑफिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा आज। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की अटेस्टेड कॉपी आपके चाहिए, जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ है पहले अपने कंट्री में चलाने के लिए, उसकी एक अटेस्टेड कॉपी या सेल्फ अटेस्टेड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस प्रूफ की कॉपी चाहिए, इसमें आधार कार्ड या वोटर कार्ड हो सकता है। आपके पास पासपोर्ट होगा, क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं तो उसकी वैलिड फोटो कॉपी चाहिए। अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड चलेगा। वीजा होगा, आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीजा होगा, वर्क पे जा रहे हैं तो उसका वीजा होगा आपके पास, तो उसकी एक कॉपी चाहिए। एयर टिकट की कॉपी चाहिए, यदि आप टिकट है आपके पास, टिकट करा रखा है तो एयर टिकट की कॉपी चाहिए। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और मेडिकल फॉर्म 1A ये ऑफिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं आपको इसकी वेबसाइट आपको दे दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं अब यहाँ भी बताऊंगा। और भारतीय राष्ट्रीयता का प्रूफ आप दे सकते हैं, इसके लिए आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड की फोटो कॉपी दे देंगे तो चलेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी दे सकते हैं, या हाई स्कूल की जो सनद होगा या उसका सर्टिफिकेट होगा उसको आप एज ए बर्थ सर्टिफिकेट यूज करके कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये रहा वेबसाइट जहाँ से आप फॉर्म 4A आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये बिहार गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट की साइट है, वहाँ से आप फॉर्म है जो है जनरल, ये प्रोफार्मा है, किसी भी स्टेट में चलेगा। ये आपका प्रोफार्मा हमने आपके सामने पेश किया है, ये एक पेज का है, दूसरा पेज आपको ये आया, दोनों पेज का फॉर्मेट देख सकते हैं। इस लिंक पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एक ये दिल्ली गवर्नमेंट का है लिंक, आप गौर से देख सकते हैं। इस लिंक में आपको मेडिकल फॉर्म 1A मिलेगा, जिसका एक आपके सामने नमूना में सैंपल पेश कर रहा हूँ। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा, इस यहाँ पे आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी फीस क्या है, जो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 500 रुपये की फीस देनी होगी। ये आपको अपने एरिया के लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को, यानी आरटीओ को, कैश में जमा करानी होगी, या कैश या आजकल तो चेक में भी दे सकते हैं, लेकिन कैश ही देना होगा आपको। कितने समय के लिए जरूरी होता है, जारी होता है ये तो बता दो आपको कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का इस लाइसेंस 1 साल के लिए जारी होता है। आपको 1 साल के टाइम के पीरियड में इसका इस्तेमाल करना होगा। यदि पीरियड खत्म होता है तो आपको दोबारा इसको बनवाना होगा, क्योंकि ये रिन्यू नहीं होता है। कौन बनवा सकता है लाइसेंस, इसके लिए बता दूं, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नहीं होता है रिन्यूअल इसका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है।
वैलिडिटी खत्म होने के बाद आपको फिर से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप ये मेरा पूरा वीडियो गौर से देखिए, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है। कब होता है जारी, ये इसके बारे में बता दूं आपको कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ये जारी होता है आपके आरटीओ ऑफिस में। कितने दिन में मिलता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये भी जान लीजिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस 7 वर्किंग दिन से अधिकतम 30 दिन में जारी हो जाता है। मिनिमम 7 डेज से 30 डेज में मिल जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो टेक इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। ये चैनल आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे टेक न्यूज़, बहुत सारी जानकारी आपको लेकर आएगा। ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर देखिए, देख रहे होंगे आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके नीचे सब्सक्राइब बटन इस तरह क्लिक का आया होगा बगल में, यहाँ पे क्लिक करिएगा। और जो घंटी साइज इसके बगल में उसको भी क्लिक करिएगा, ताकि हम आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। धन्यवाद।